हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं कि फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या रूल्स है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिड पॉइंट अगर आस्क पॉइंट से ज़्यादा है तो पिप को माइनस करना है स्पॉट रेट से, और अगर बिड पॉइंट लेस देन है आस रेट से तो पिप को ऐड करना है प्रीमियम। अंडरस्टूड? तो बिड इज ग्रेटर देन आस्क, डिस्काउंट हो जाता है, उसको माइनस करेंगे। बिड इज लेस देन आस्क पॉइंट तो पिप को ऐड करेंगे स्पॉट रेट में, दैट इज प्रीमियम। तो ये थ्योरेटिकल थोड़ा आपको नहीं समझेगा, लेकिन प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एकदम सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको दिया है इंटरबैंक स्पॉट पाउंड रुपी रेट $1 इज इक्वल टू रुपीज 70.9000। ऐसे पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ। 70.9000। अब वन मंथ का पॉइंट कितना दिया है? 1100, 1000, 1300, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, जो पहला पॉइंट रहता है वो रहता है बिड। क्या रहता है? बिड। और दूसरा क्या रहता है? आस्क। सेम वे में इसमें भी पहला है आपका बिड और दूसरा आस्क रहता है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सीरियल नंबर, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, जीबीपी आईएनआर बिड, जीबीपी आईएनआर आस्क। जीबीपी का मतलब होता है ब्रिटिश पाउंड। तो बिड कौन सा है? 70.7000 और आस्क कितना है? 70.9000। तो ये सबसे पहले लिख देंगे। तो स्पॉट रेट दिया है आपका 70.7000, 70.9000, ये आपका पाउंड दिया है। आया समझ में? फिर उसके बाद अब क्या करेंगे? पहले वन मंथ का पॉइंट देखो। वन मंथ पॉइंट दिया है आपका 1100 और 1000। तो ये पहला बिड है, याद रखना, पहला वाला बिड है और दूसरा वाला आस्क है। तो बिड ग्रेटर देन आस्क, तो देखो 1100 1000 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो रूलिंग देख लेते हैं फटाक से। देखो बिड पॉइंट आर ग्रेटर देन आस्क, है कि नहीं बड़ा? तो ये क्या हो गया आपका? ये डिस्काउंट हो गया। देखो दिया है ना, बिड पॉइंट आर ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, जिस किस तरफ ये मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है। तो बिड पॉइंट अगर ग्रेटर है तो वो डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 1100 बड़ा है 1000 से, तो 1100 और 1000 माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है वन मंथ पॉइंट इज दिस, बिड इज ग्रेटर देन आज, डिस्काउंट हो गया, तो माइनस करेंगे 1100, माइनस करेंगे 0.1000। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो 1100 नॉर्मल लिखा है और यहाँ पे 0. क्यों किया? क्योंकि आपको पता है ये जो पॉइंट है ये पिप्स है, ये 0.4th पॉइंट होता है, 0.001 होता है। किया था कि नहीं किया था? 100th पॉइंट होता है ये, आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसलिए जब भी ये पॉइंट आप लिखोगे तो 0. करके लिखने का, तो 0.1100, 0.1000। अब ये माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर पे माइनस करने का, मैन्युअली माइनस नहीं करने का। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये 70 रहेगा, 7000 में से ये करेंगे तो 5900 आएगा। तो देखो 70.5900, और इसमें 1000 अगर माइनस होगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 70.8000। एकदम सिंपल है। तो वन मंथ का फॉरवर्ड रेट कितना हो जाएगा? 70.5900, 70.8000। एकदम सिंपल है। फिर दूसरा देखते, टू मंथ्स पॉइंट कितना दिया है? 1300 और 1200। तो देखो बिड वापस ग्रेटर देन है, तो अगर बिड अगर ग्रेटर देन है तो डिस्काउंट हो जाएगा और माइनस करेंगे उसको। तो यहाँ पे देखो ब्रिटिश पाउंड वापस लिखा मैंने, सेम जो पहला रहेगा ओरिजिनल वही लिखना है। फिर हम लोग को टू मंथ का पॉइंट लिखना है 1300 और 1200, दैट इज बिड इज ग्रेटर देन आस, तो डिस्काउंट हो गया, माइनस करेंगे 0.1300, 0.1200, माइनस किया, आपको आया टू मंथ्स फॉरवर्ड रेट 70.5700, 70.7800।
सेम वे में 3 मंथ पॉइंट देखेंगे जिसमें 1400 और 1500। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे पहला 1400 है उसके बाद 1500 है, तो मतलब 1400 इज लेस देन 1500, तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों में क्या था, 1100 और 1000, 1300 1200, मतलब पहला वाला बड़ा था दूसरे से, अब देखो पहला वाला छोटा है दूसरे से, 1400 और 1500, तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है 1400 1500, बिड इज़ ग्रेटर देन आस्क, तो प्रीमियम है, और प्रीमियम क्या होता है, ऐड होता है, इसलिए ऐड किया। देखो 0.1400, 0.1500, तो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट हो जाएगा ये वाला, ये वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे। आ रहा है समझ में, यस और नो? सेम वे में देखो ये 1600, तो ये भी लेस देन है, तो ये भी प्रीमियम हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे 1600, बिड इज़ लेस देन आस, तो प्रीमियम हो गया, और प्रीमियम हो गया तो ऐड करेंगे, तो 70.7000 ऐड 0.1600, फिर यहाँ पे 70.9000 प्लस 0.1700, तो आंसर आएगा ये, तो 4 मंथ फॉरवर्ड रेट हो गया ये। अब इनको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है इसको उठा के सेपरेटली सेपरेटली आपको इस सॉल्यूशन के नीचे लिखना है। तो 2 मंथ फॉरवर्ड रेट ये, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट ये, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ये, और 4 मंथ फॉरवर्ड रेट ये, तो ये आपका 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये बड़े ध्यान से करना है। आया समझ में? तो हम लोग ने देखा कि भाई फॉरवर्ड रेट क्या होता है, उसका मीनिंग देखा लास्ट वीडियो में, फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका रूल देखा, और यहाँ पे हम लोग ने उस प्रैक्टिकल से हमको सॉल्व करके दिखाया। तो समझ में आया आपको, यस सर नो? ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखो, अगर कुछ डाउट आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।